बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं सब लोग? ठीक है, उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। एमए फूड स्टूडियो में आपको वेलकम किया जाता है। आज मैं आप लोगों को जो बनाना सिखा रहा हूँ वो है क्रिस्पी जिंगर विंग्स। जिंगर विंग्स कैसे बनते हैं, उसके लिए क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड है, मेरे साथ रहें, आपको स्टेप बाय स्टेप वो चीज़ें सिखाई जाएंगी। और बड़ी आसानी से जो मैं चीज़ें रेस्टोरेंट में बनाता हूँ वो चीज़ें आप घर में बना सके एमए फूड स्टूडियो के साथ। थैंक यू। क्रिस्पी विंग्स के लिए, जो क्रिस्पी जिंगर विंग्स हैं उनके लिए जो मैंने लिया है वो आधा किलो विंग्स ही लिए हैं। उसके साथ मैंने जो है एक एग लिया है, पूरा बीट किया उसको। इसके साथ मैं जो है वो आपको मैंने आपको बताऊंगा कि वो हाफ़ टी स्पून मैं इसमें लाल मिर्च इस्तेमाल करूंगा, वन टी स्पून मैं इस पर हाफ़ टी स्पून ही इसमें लाल मिर्च पाउडर इस्तेमाल करूंगा और हाफ़ टी स्पून दड़ा मिर्च जिसे हम कहते हैं वो यूज़ करूंगा। इस तरह से जो काली मिर्च है वो हाफ़ वो जो है वन बंच यानी हाफ़ टी स्पून पर भी कम वो यूज़ करूँगा। इस तरह से जो वाइट पेपर जो है वो भी हाफ़ टी स्पून से कम यूज़ करूँगा। साथ ही आपको 10 ग्राम इसमें मैं नमक यूज़ करूँगा और 10 ग्राम चिकन पाउडर और विनीगर जो है वो मैं इसमें चूज़ करूँगा 30 ग्राम। आधा किलो हम इसमें विंग्स डालेंगे बॉल में, साथ ही हम डालेंगे इसमें जो एक एग हमने जो एग जो था वो हम इसमें यूज़ करेंगे, डालेंगे 1 टीस्पून जो हमने इसमें लाल मिर्च डाल दी है, साथ हमने जो दड़ा मिर्च थी लाल वाली वो हमने इसमें ऐड कर दी 1 टीस्पून। ब्लैक पेपर जो है हाफ टी स्पून हमने यूज़ किया है इसमें, वाइट पेपर वो भी हाफ़ टी स्पून इसमें यूज़ किया है। इसमें 1 टेबल स्पून अराउंड 10 ग्राम इसमें हमने यूज़ किया है, क्योंकि टेबल स्पून जो वैसे जो होता है वो 15 से 16 ग्राम का होता है, लेकिन मैं इसमें थोड़ा सा कम डाल रहा हूँ। और ये हमने डाला इसमें चिकन पाउडर भी 1 टेबल स्पून डाल रहा हूँ 30 ग्राम जो है। तो टबास्को हम इसमें ऐड करेंगे जो है 3 से 4 ड्रॉप, 1 टेबल स्पून हमने इसमें लहसुन ऐड किया है। अब इसको हम जो है मिक्स करके आधा घंटा इसको मैरिनेट करके रखेंगे, तो उसके बाद फिर हम इसको जो है ना मैदा और उसके पानी के साथ जो कोटिंग करेंगे फिर हम इसको फ्राई करेंगे। दैट ऑन आधा जो है हमारे आधा किलो विंग्स हमें तकरीबन आधा से पौना घंटा इसको मैरिनेट करके रखा है। अब हम इसकी करेंगे कोटिंग अच्छे तरीके से। कोटिंग के लिए जो जो चीज़ें हमें ज़रूरी थी वो हमने आधा किलो मैदा लेकर रखा हुआ है, मैदे के अंदर हम इसको कोटिंग करेंगे। साथ ही हमने ठंडा पानी जो है नॉर्मल टेम्परेचर से थोड़ा सा ज़्यादा ठंडा किया इसका जो है वो हमने इसको ठंडा रखा है पानी, वो इसके अंदर हम डबल स्टेप में कोटिंग करके फिर इसके याग रखेंगे हम जो है। जी नाज़रीन, आपके जो विंग्स हैं वो कोटिंग अप हो गई है मैदे के साथ और ठंडे पानी के साथ हमने इसकी कोटिंग कर ली। अब आप इसको करेंगे फ्राई। फ्राई का टेम्परेचर जो है मैं आपको बताता हूँ कितना टेम्परेचर होना चाहिए, उसके बाद आप इसको अच्छे तरीके से फ्राई करेंगे, फिर इसके क्रिस्प जो हैं वो प्रॉपर जो क्रिस्पी स्टाइल में होंगे। फ्रायर का या कढ़ाई का टेम्परेचर जो 160 सेंटीग्रेड उसका होना चाहिए, फिर हम इसको देखेंगे आगे जो है फ्रायर के अंदर जो है जो इसको फ्राई करेंगे। अराउंड 6 से 7 मिनट जो है ना अच्छे तरीके से हमारा फ्राई होगा 160 सेंटीग्रेड टेम्परेचर के ऊपर, और क्रिस्पी हमारे जो है वो जिंगर विंग्स जो है वो रेडी हो जाएंगे हमारे जो है। तो जी जनाब, आपके विंग्स क्रिस्पी विंग्स रेडी हैं। प्लेटिंग के लिए जो हमने विंग्स रेडी किए हैं, हमारा प्लेटिंग के लिए जो है प्लेट हमने रेडी की है, उनको खिला सकते हैं। और रेस्टोरेंट में जब आप आएंगे और जिस तरह के जिंगर विंग्स खाएंगे तो आपको इंशाल्लाह आपके शेफ जमील के हाथ के बने हुए विंग्स जो आप गर्मी में रेसिपी के साथ बनाएंगे वो ज़रूर याद आएंगे। आप इसका डिफरेंस जो है ज़रूर देखेंगे कि जो विंग्स हैं वो कैसे बने हैं। तो जी नाज़रीन, आपके मज़ेदार और ज़बरदस्त किस्म के क्रिस्पी फ्राइड जिंगर विंग्स आपके रेडी हैं, और ये रेसिपी आप घर में ट्राई करें और मज़ेदार किस्म की रेसिपी है ये। आप इसको घर में जब ट्राई करेंगे तो इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। तो नई से नई रेसिपी सीखने के लिए बनाने के लिए एमए फूड स्टूडियो के साथ रहा करें और हमारी रेसिपीज़ को लाइक कर चला करें, सब्सक्राइब कर चला करें और हमारी रेसिपी दोस्तों को ज़रूर शेयर किया करें। थैंक यू।